आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 513वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे के अपडेट्स हम लगातार आपको दे रहे हैं और रेलगाड़ी चलने के संकेत जो मिल रहे थे उस बारे में कुछ और अपडेट्स रेलवे के सूत्रों ने दिए हैं। बहरहाल फिलहाल हम आपको दिखाते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप हमारे पीछे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। पुश आर्म जो ये इसको होल्ड करते हैं, कनेक्ट वायर को जो होल्ड करता है उसको पुश आर्म कहा जाता है, उसे बदलने की कवायद की जा रही है। रेल के इलेक्ट्रिफिकेशन में जब मॉनिटरिंग की गई तब ये जानकारी निकल कर आई कि कुछ पुश आर्म शायद ठीक नहीं है, उन पुश आर्म्स को बदलने की कवायद यहाँ पर होती दिख रही है। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन अमला यहाँ दिखाई दे रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में खबर जब भी प्रसारित होती है उस खबर पर संज्ञान लिया जाता है, ये बात सत्य है। रेलवे के अधिकारी संज्ञान लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप जो पोल गड़ा है उसके आसपास हमने दिखाया था कि किस तरह से ये जो पेवर ब्लॉक बैठ रहे हैं नीचे, पेवर ब्लॉक नीचे दब रहे थे उनको अब एक बार फिर पानी डाला जा रहा है, उसमें डस्ट डाली जा रही, डस्ट और पानी के साथ उसे फिर से एक बार कवायद की जा रही। पर डस्ट के ऊपर उतना पानी फिलहाल नहीं डाला जा रहा है जिससे वो पूरी तरह बैठ पाए। दरअसल होना ये चाहिए कि इसको कम से कम 2 से 3 दिन इसमें पानी डालकर देखा जाना चाहिए कितना ये नीचे बैठेगा, क्योंकि यहाँ इसको पोल लगाने के लिए गड्ढा खोदा गया था, जहाँ गड्ढे खोदे गए थे बीच का कंक्रीट को अगर छोड़ दिया जाए तो आसपास बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो इनके द्वारा डाला जा रहा है वो भी ये कहा जाए रस्म अदायगी की जा रही, पानी भी थोड़ा सा छिड़का जा रहा है। बारिश में एक बार फिर अगर ये बैठ गए तो तब जवाब दे कौन होगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है। हम आगे आपको लेकर चलते हैं और भी आपको आगे ले जाकर दिखाते हैं। हमने आपको दिखाया किस तरह से वहां पर काम चल रहा है, ये फिर एक बार निकाला जाएगा और इसमें फिर वैसा ही रस्म अदायगी की जाएगी, थोड़ी सी डस्ट डाली जाएगी, डस्ट डालने के बाद हल्का फुल्का पानी छिड़क कर उसे फिर जमा दिया जाएगा। सवाल यही है कि बारिश में जब बारिश होगी तो यहाँ पर पूरा ये फिर एक बार नीचे बैठेगा बारिश के समय, यहाँ देख सकते हैं ये लगभग 3, 4 या 5 इंच ये बैठ चुका है, इस तरफ भी ये 4-5 इंच बैठ चुका है जहाँ जहाँ ये गड्ढे खोदे गए थे। अधीक्षण किस तरह का किया गया है ये कहना बड़ा मुश्किल है। बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को चाहिए वे आए देखें और ठेकेदार के ऊपर पेनाल्टी लगाने की कार्रवाई करने को कहा जाए, क्योंकि ये ठेकेदार के द्वारा किया गया और बारिश में अगर होता है तब तक ठेकेदार यहाँ से जा चुका होगा। फिर आप और हम जो कर देते हैं, टैक्स देते हैं, उस पैसे से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है उससे इस काम को कराया जाएगा, तो इस तरह का काम कराने का औचित्य समझ से परे है। रेलवे के ठेकेदार बात करने को तैयार नहीं, पर ऑफ द रिकॉर्ड जब उनसे चर्चा हुई उन्होंने कहा रेलवे के पास बहुत पैसा है, रेलवे पैसा देगा, 100 बार पैसा देगा। ये अगर उनका कहना है ऑफ द रिकॉर्ड अगर वो बात कर रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि उनके द्वारा रेलवे के अधिकारियों को पूरी तरह उपकृत किया गया है, अन्यथा इस तरीके के काम के बाद रेलवे के ठेकेदार पर पेनाल्टी जरूर लगाई जाती, चूंकि यहां कॉम्पेक्शन नहीं हुआ, धम्मस नहीं कराया गया। क्यों नहीं कराया गया इस बारे में DRM आके देखें, इस बारे में प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आके देखें, इस बारे में जो सिविल वर्क वाले आकर देखें और ठेकेदार पर पेनाल्टी लगाएं। हम आगे और लेकर चलते हैं। अभी हमने आपको दिखाया किस तरह का काम यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिविल वर्क किस तरह का हुआ ये भी आपको बताया, इलेक्ट्रिफिकेशन वाले किस तरह का काम कर रहे हैं ये भी आपको बताया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, इस सब पर अगर कंट्रोल कोई कर सकता है, नियंत्रण कोई कर सकता है तो वो है बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, चूंकि उनका संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। हम बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये कहते हैं कि जनता के द्वारा उन्हें जनादेश दिया गया है, चुना गया है, इस लिहाज से उन्हें चूंकि वे केंद्र का मामला है इसलिए डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को चाहिए कि वे DRM को बुलाएं और बुलाकर दिखाएं, वे यहां पर प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बुलाएं और बुलाकर दिखाएं कि ये इस तरीके का काम सिवनी में कराया जा रहा है जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पर पता नहीं क्यों वे अपना मौन नहीं तोड़ रहे हैं।
बहरहाल जो रेलगाड़ी चलने की बात सामने आ रही थी, रेलगाड़ी कब चलेगी इस बारे में भी जो चर्चाएं हो रही थी, उस बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। हालांकि यहाँ एक जो केबल डाली गई उसके बाद केबल के भरने का काम किया जा रहा है। केबल भी मन चाहे तरीके से डाली गई, बीचों बीच से केबल डाल दी गई। देखा जाए तो किसी एक सिरे किनारे में अगर केबल डाली जाती, देखिए आप यहाँ हम आपको दिखाते हैं केबल जो डाली गई है वो बीचों बीच से केबल डाल दी गई, जबकि अगर किनारे से केबल डाली जाती, एक किसी सिरे पर केबल डाली जाती या ऊपर से ही यहाँ से केबल ले जाई जाती, तो कभी अगर बीच में कभी इसमें सुधार कार्य करना होता तो बहुत आसानी से हो जाता। पर अगर यहाँ पर पार्किंग बनाई जाती, पार्किंग बना के यहाँ अगर फ्लोर बना दिया जाएगा, उसके बाद कभी अगर केबल में फॉल्ट आता तो पूरा फिर खोदो बनाओ तोड़ो बनाओ तोड़ो। क्या रेलवे के अधिकारी चाह रहे हैं कहना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल जो हम आपको बता रहे थे कि रेलवे के सूत्रों ने 24 अप्रैल 2023 से रीवा से इतवारी रेलगाड़ी चलने की बात कही थी कि रीवा से इतवारी रेलगाड़ी 24 अप्रैल से आरंभ हो सकती है। रेलवे के सूत्रों ने ये बात फिलहाल अभी जानकारी दी है कि रीवा इतवारी 24 अप्रैल से तिथि आगे बढ़ाई भी जा सकती है। इसके पीछे रेलवे के सूत्रों ने एक वजह ये बताई है कि रेलवे बोर्ड के ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि रेलगाड़ी आरंभ जो भी सिवनी से हो वो सिवनी से ही आरंभ हो, जबलपुर छिंदवाड़ा या नागपुर से आकर यहाँ से पहली रेलगाड़ी ना गुजरे, हरी झंडी सिवनी से ही दिखाई जाए। इसलिए कहीं ना कहीं रेलवे बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में श्रेय की राजनीति भी होना आरंभ हो गई है। 24 अप्रैल को रेलगाड़ी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी इस पर भी संशय के बादल मंडराने लगे हैं, ऐसा रेलवे बोर्ड के सूत्रों का कहना है। रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये जानकारी दी है कि जो इस पूरे काम को होना है, ये पूरा काम भी जो भी होना है उस पूरे काम में जो रेलगाड़ी चलने की कवायद की जा रही है, रेलगाड़ी चलने की कवायद में जो मुख्य बात सामने आ रही है कि दबाव बनाया जा रहा है। दबाव ये बनाया जा रहा है कि सिवनी से हरी झंडी दिखाए, जबकि रेलवे बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि एक रेलगाड़ी यहाँ से आरंभ हो जाए। अगर यहाँ से एक रेलगाड़ी आरंभ हो जाती है उसके बाद जो यात्री सुविधाएं हैं वो पूरी मानी जाएंगी। वो पहली रेलगाड़ी भले ही रीवा से चालू हो या इतवारी से चालू हो, सिवनी से होकर गुजरे, अगर पहली रेलगाड़ी आरंभ हो गई तो उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं जितनी रेलगाड़ियां अभी मिनट टू मिनट की टाइमिंग इनकी जारी हुई है, वे उन रेलगाड़ियों को यहां से गुजारना बहुत मुश्किल नहीं होगा। इसलिए ये उम्मीद की जाए कि श्रेय की राजनीति छोड़ दी जाए, श्रेय ना लिया जाए। श्रेय बाद में जनता देख रही है, जनता श्रेय जिसे देना है उसे दे देगी, चाहे संघर्ष करने वाले हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे मीडिया हो, जिस किसी के द्वारा भी यहाँ लगातार संघर्ष किया गया है उसे श्रेय दे देगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया इसका श्रेय नहीं लेना चाहते, हम कतई श्रेय नहीं लेना चाहते, क्योंकि सिवनी मूल के हम निवासी हैं, सिवनी के प्रति हमारी जवाबदेही है। इसलिए हम लगातार ही लिमटी की लालटेन में आपको ये दिखाते आए हैं, रेलवे के अपडेट्स देते आए हैं, और यहाँ एक बार हम आपको और दिखाते हैं, उसके बाद फिर आगे की हम बात करेंगे। देखिए अगर आप यहाँ आकर देखें तो ये कितना नीचे कितना धंसा हुआ है ये आप देख सकते हैं। अगर इसको इस तरफ से अगर हम दिखाते हैं तो यहाँ देखिए, ये हम आपको दिखाते हैं, देखिए कितना नीचे जा चुका है। अब इसके बाद आप अंदाजा, ये लग रहा है कि किसी के लिए एक लोग कल परसों किसी सज्जन के द्वारा यहाँ पर एक कमेंट किया जा रहा था, तो सज्जन यहाँ से जा रहे थे, उनके द्वारा कहा गया कि किसी की कब्र खुद रही है, ऐसा लग रहा है। क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, सांसद जी एक बार आप आइए देखिए, ये देखिए ये यहाँ पर भी ये पूरा धंसा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पूरा इफेक्टेड है। रेलवे के ठेकेदार अगर ये बात कह रहे हैं कि रेलवे के पास बहुत पैसा है, ठेकेदार के कारिंदे माफ कीजिएगा, बहुत पैसा है, तो समझा जा सकता है। ये देखिए वहाँ पर मोटरसाइकिल चली जा रही है,
सवारी गाड़ी नहीं चल रही, मोटरसाइकिल चली जा रही है। तीन लोग बैठकर चले जा रहे हैं, 8-10 मोटरसाइकिल खड़ी, एक बंदा उतरा, दूसरा उतरा और अब चालक उतरेगा। ये चल रहा है सांसद जी सिवनी में। आपको अगर मत दिया है, वोट दिया है सिवनी के लोगों ने, तो ये आपकी नैतिक जवाबदेही है कि आप आए देखें, मीडिया का सामना करें, सिवनी के लोगों के मन में क्या चल रहा है उसका जवाब दें, अधिकारियों को बुलाएं। एक सांसद को इतना अख्तियार है, उसको इतना हक है कि सांसद चाहे तो DRM 3 घंटे के अंदर आपके संसदीय क्षेत्र में जहां काम चल रहा है उन्हें आप बुला सकते हैं। जोनल मैनेजर को आप कहिए, डेट दीजिए, वे यहां आएंगे, निरीक्षण करेंगे। नहीं अगर होता है, आप रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को और रेल मंत्री को शिकायत कीजिए स्पष्ट तौर पर। अगर वे भी नहीं सुनते हैं, सदन में बात उठाइए। सदन में बात उठाने के साथ आप CBI को पत्र लिखिए और बताइए कि साहब यहाँ पर इस तरीके की घटिया गुणवत्ता का काम किया गया है। CBI की जांच आरंभ होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आपको लगता है ये काम गलत हुआ है तो, अन्यथा बिल्कुल CBI को आप चिट्ठी मत लगिए। अगर आपको लग रहा है कि ये काम गुणवत्ता के हिसाब से हुआ है, जनता के पैसे का पूरा सदुपयोग हुआ है, कतई मत लिखिए। पर अगर आपको लगता है कि जनता के पैसे का सदुपयोग नहीं हुआ है, आप चिट्ठी जरूर लिखिएगा। ये सिवनी का रेलवे स्टेशन हम लगातार 200-250 एपिसोड लगातार हमने दिखाए हैं, 200-250 एपिसोड में लगातार बताते आए हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को, रेल मंत्री को, प्रधानमंत्री कार्यालय को, सभी को ये लोग ट्वीट करके भेज रहे हैं, सारे एपिसोड जा रहे हैं। आज 17 अप्रैल को भी यहां रेलगाड़ी नहीं चल पाई। 11-12 मार्च 2022 को इस ट्रैक का CRS हुआ था, उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन का CRS भी हो गया, सब पूरा काम हो गया। अब रुका क्यों है मामला? DRM पूर्व निवर्तमान DRM कहते थे कि 90% काम हो गया है, मार्च के पहले सप्ताह में आए, 90% काम हो चुका है और 10% काम बचा हुआ है। जो काम बचा हुआ है वो पैसेंजर ट्रेन के ऑपरेशन में कहीं बाधक नहीं है। उसके बाद 19 मार्च को DRM नवागढ़ DRM नमिता त्रिपाठी आती हैं। मनिंदर उप्पल के द्वारा ये बात कही गई थी, फिर नमिता त्रिपाठी आई, नमिता त्रिपाठी के द्वारा कहा गया कि रैक की चिंता मत करिए, रैक आपको मिल जाएगा। किसी के द्वारा ट्वीट किया गया, उस ट्वीट के जवाब में वही DRM कहती हैं कि रैक की उपलब्धता पर यहाँ पर रेलगाड़ी चलना सुनिश्चित होगा। ये जो तैयारियां देख रही हैं, इंजन का स्टेज बना, इंजन कहाँ रुकेगा, बोगियाँ कहाँ वो होंगी, ये सारी चीजें अगर करी जा रही हैं तो ये जनता के आक्रोश के शमन के लिए किया जा रहा है। हम इस बात को जवाबदारी के साथ इसलिए भी कह सकते हैं कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ से, हमने आपको ये भी दिखाया था, वहाँ ऊपर खड़े होके एक जो यहाँ पर लेबर काम कर रहा है उसका कहना था 60 रुपए में वो पलारी से सिवनी आ रहा है, महंगे विलासिता वाले वाहन में, चाहे सांसद हों, विधायक हों, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या किसी अन्य दल के अध्यक्ष हों, उन्हें अंतर नहीं पड़ता, वे महंगे विलासिता वाले वाहनों में घूमते हैं। अंतर उस गरीब को पड़ता है जो 60 रुपए देकर रोज पलारी से सिवनी आता है। रेलगाड़ी से आएगा तो महज उसे 8-10 रुपए लगेंगे, उसकी चिंता करिए। उसी व्यक्ति के कारण, उस व्यक्ति ने आपको वोट दिया है, आप संसद की सीढ़ियां चढ़ने के योग्य उसी के कारण बने, उसका उसके भावनाओं का सम्मान रखिए। बजाय इसके अधिकारी जो कह रहे हैं उसको आप अंतिम सत्य मत मानिए। अधिकारियों को बुलाकर पूछिए कि ये क्या है, आखिर ऐसा काम जिस किसी भी अधिकारी के द्वारा इसका सुपरविजन किया गया है, इसे ओके किया गया होगा, उस अधिकारी के वेतन भत्ते इंक्रीमेंट रोकने की बात करिए, जो एक सही दिशा में प्रयास होगा। अभी हमने आपको दिखाया केबल डल रही, केबल किनारे से क्यों नहीं डाली गई, अगर वहाँ बीच में पूरा कंक्रीट कर दिया जाता है पार्किंग के लिए, फिर अगर केबल में फॉल्ट आता है तो पूरा फिर खोदा जाएगा। तो क्या सिवनी के साथ मजाक चल रहा है? जो हम आपको बता रहे हैं एक बार फिर हम आपको बताएंगे कि रेलवे बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि जो रेलगाड़ी चलने की बात आ रही है वो रेलगाड़ी 24 अप्रैल से तिथि आगे बढ़ भी सकती है, क्योंकि रेलवे बोर्ड पर दबाव बनाया जा रहा है कि रेलगाड़ी जो भी चले वो सिवनी से आरंभ हो, अर्थात हरी झंडी सिवनी से दिखाई जाए। श्रेय
आप ही को दिया जाएगा जो भी श्रेय लेना चाह रहा हो। ये हमारा वादा है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपको वादा करती है। देखिए एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप, तीन लोग बैठकर यहाँ जा रहे हैं मोटरसाइकिल में, प्लेटफॉर्म पर चले जा रहे हैं। रेलगाड़ी नहीं चल रही, चल रही है यहाँ पर मोटरसाइकिल, रेलगाड़ी कतई नहीं चल रही यहाँ पर मोटरसाइकिल में तीन तीन लोग बैठकर जा रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। क्या उम्मीद क्या रखें सिवनी के लोग अपने जनप्रतिनिधि से? काम पीछे चल रहा है, आप देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 513वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें बताएं कि किस तरह का काम, यहाँ पर भी पीछे देखिए एक मोटरसाइकिल चली है, वहाँ जहाँ काम चल रहा है वहाँ भी मोटरसाइकिल है। खैर, तो अगर आपको ये पसंद आ रहे हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कीजिए, बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं, आप और इसमें क्या देखना चाहते हैं ये भी आप बताइए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन के 514वें एपिसोड को लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।